ये आशिकी। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं ऋत्विक धनजानी और आपका स्वागत है ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास, ये है आशिकी। वेल, आज भी मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप कहेंगे कि ना दिस इज इम्पॉसिबल। व्हाट टू डू, प्यार की इस पूरी डिक्शनरी में मुझे कहीं से कहीं तक इम्पॉसिबल नजर ही नहीं आ रहा। इट्स नॉट देयर। तो आज की कहानी है पार्थ और मिनी की। पार्थ और मिनी जो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, एक स्कूल में पढ़े, लेकिन इन दोनों के बीच कभी इतनी अच्छी दोस्ती नहीं हुई। अब ये दोनों एक ही कॉलेज में हैं और इस कॉलेज में इन दोनों के बीच दोस्ती भी हुई और दोस्ती के थ्रू प्यार भी। अब आप सोच रहे होंगे इसमें इम्पॉसिबल जैसा क्या है, व्हाट्स द डिफिकल्टी, व्हाट्स द प्रॉब्लम, आइए देखते हैं। आई टिकट है? आ गई। दिखा, मेनू दिखा। क्या लिखा? इतना छोटा लिखते हैं, योर नाइट इज शाइनिंग अमर, कमिंग टू टेक यू ऑफ योर फीट। एक प्यारा सा राजकुमार आएगा और मेरी मिन्नी को ना लेके चला जाएगा। डैडा राजकुमार, एटलीस्ट प्रिंस चार्मिंग तो बोलते ना, थोड़ा रोमांटिक लगता है ना डैडा। दिखाओ मेनू। पापा जी, ये जो रोज रोज तुसी मेनू वेख के सेंटी हो जाते हो ना, उफ है एकदम। अब तू ना उफ उफ मत किया कर, बिल्कुल अपनी दादी लगती है तुम्हारा। सुबह सुबह दादी माँ दादा। अच्छा चल चल, अब तू कॉलेज और मैं अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं ना, चल आ मेरी बेटी, शाबाश, चल बैठ। बैट, बैट। आज जो हमारी टिकट में आया है ये तो मुझे लगता है सबसे अलग है, वरना आज तक कभी ऐसा नहीं आया। प्रिंस चार्मिंग। तुसी की इस तरह करोगे? चलो चल रहा। आप मम्मी नु भी इसलिए को मानते सी की? हाँ हाँ, मम्मी नु भी इसलिए को मानते। चलो अब फाइनली हम आ गए। ओ फो डाडा, मैंने ना कॉलेज आना बंद कर देना आपके साथ। और मैं की किताब उतर? मैं कॉलेज जा रही हूँ, ससुराल नहीं, वाई सो सेंटी। वेरी गुड, स्माइल नाउ, गिव मी वन किसी, बाय। यार ये सोनिया तो पार्क की बाइक पे बैठ ही गई ना, तो क्या हुआ, बिग डील? तू क्यों जलस हो रही है? फिर भी स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम खुशबू, वैसे भी मिनी को ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी, आफ्टर ऑल बाइक की बैक सीट पे बैठने वाली कैटेगरी में नहीं है ना, बाइक पे फिट नहीं हो पाएगी। वैसे भी मुझे किसी की बैक सीट में बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कार में बैठने के लिए बनी हूँ, समझी? चले। कम ऑन मैन, कट इट आउट। ओए चल। ओके गाइस, सेटल डाउन, पीपल पीपल काम डाउन, काम डाउन। दिस इज प्रियंका। प्रियंका ने हमें मिड टर्म में ज्वाइन किया है। प्रियंका, go and sit with mini, make sure Priyanka catches up with everything she may have missed. Yes ma'am. Okay ma'am. And make her feel comfortable, people, will you? Yes. Okay then boys, can we just focus on jo hum yahan karne aaye hain? Open your books, page 62 please. Hi, sab ladke tumhe hi dekh rahe honge, you're so beautiful. Agar koi bhi problem ho mujhe batana, main hu, theek hai? Thank you.
Okay then, that's it for the day. See you tomorrow. चलो नाश्ता कर लिया ना पूरा? हाँ हाँ पूरा कर लिया। पैसे रख लिए कि नहीं? हाँ। कैंटीन में खा लेना कुछ है? और आप भी खाते हो ना? हाँ पुत्र चल, तू चल गेट खोल, चल शाबाश। हाँ जी। ओए तू यहाँ? हाँ तू इस एरिया में क्या कर रहा है? वो एक्चुअली मेरा फ्रेंड रहता है यहाँ पे, उसको नोट्स देने आया था। अच्छा? मैं यहीं से कॉलेज जा रहा हूँ। तो तू यहाँ रहती है? कूल यार, आई हैड नो क्लू। हाँ ये मेरा घर है डैडा, ये पार्थ है, पार्थ माय डैडा। हेलो पुत्र, कैसे हो आप? बस बढ़िया पुत्र, तू सुना? सब ठीक। तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ, ड्रॉप कर दूँ? हाँ ठीक है। डैडा मैं पार्थ के साथ जा रही हूँ। पुत्र तू इसके साथ जाएगी कॉलेज? वो डैडा सिर्फ कॉलेज जा रही हूँ, भाग नहीं रही, शाम को घर वापस आ जाऊंगी। बाय, चला जा। वैसे भी मिनी को ये सब बातें समझ में नहीं आएगी, बाइक की बैक सीट पे बैठने वाली कैटेगरी में नहीं है ना, बाइक पे फिट नहीं हो पाएगी। अच्छी है बहुत तुम्हारी बाइक। थैंक्स। वो ना मैं कभी बाइक में नहीं बैठी हूँ। कोई बात नहीं, तो मैं वहां से बैठ जाऊँ? हाँ। फर्स्ट टाइम है। हाँ, it's okay, आ जाओ। लेकिन किधर से बैठे? अच्छा अच्छा, एक काम कर, यहाँ से आ, क्रॉस होके बैठ, हाथ यहाँ पे रहो। हाँ की बैक सीट पर फिट आ गई, और किसी की भी नहीं, पार्थ की बाइक के पीछे। थैंक्स पार्थ। अरे थैंक्स किस बात का, फ्रेंड्स है यार हम तो। तो फ्रेंड्स के लिए इतना भी नहीं कर सकता? हां आई डोंट थिंक कि हम लोग फ्रेंड्स हैं। मुझे पता है कि तुमने ये सब क्यों किया। क्यों? तुम्हें प्रियंका से इंट्रो चाहिए राइट, और तुम्हें लगा कि मैं प्रियंका की बहुत अच्छी दोस्त हूं, तो अगर तुम मुझसे फ्रेंडशिप कर लोगे तो उससे भी कर लोगे। यार मिनी तू तो कितनी स्मार्ट निकली यार, यार तूने तो ऐसा प्लान बोला जैसे तूने ही बनाया। हाँ अच्छा बता कैसे गेस किया? ऑब्वियस है ना पार्थ, तुझे पता है हम लोग 7 साल से एक दूसरे को जानते हैं, और एक दो फेक स्माइल के अलावा हमने कभी बात नहीं की है। लास्ट टाइम तूने मुझसे 10th स्टैंडर्ड में बात की थी, और हमारा फेयरवेल था, और तूने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया था क्योंकि मैंने बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर जीता था। उसके बाद डायरेक्ट आज तू मुझे अपनी बाइक में कॉलेज लेके आया है, सो कुछ तो बात होगी ना यार। आई एम सॉरी यार, तू सही कह रही थी यार। यू नो व्हाट, मैंने ये सब एक इंट्रो के लिए किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। बट यू नो व्हाट, हम फ्रेंड्स तो बने। हाँ एटलीस्ट फ्रेंडशिप तो हुई ना, एंड आई स्वेयर आगे से मतलब ही नहीं बनूंगा। एंड आई अप्रिशिएट दैट, डोंट वरी। तूने प्रियंका के बहाने मुझसे फ्रेंडशिप तो की, मैं किसी का फेवर नहीं रखती। मैं पक्का तेरी फ्रेंडशिप प्रियंका से करवा दूंगी, एटलीस्ट इंट्रो तो करवा दूंगी। सो वी आर फ्रेंड्स? डेफिनेटली फ्रेंड्स। चले आफ्टर यू। मिनी का अप्रोच अपनी लाइफ की तरफ बहुत ही चिल्लर था, वेरी चिल्लर। उसने ना तो कभी दूसरों को सीरियसली लिया, ना ही कभी दूसरों की कही हुई बातों और तानों को। वो हर चीज में ह्यूमर ढूंढती थी, उसके लिए उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट, सिर्फ वो, उसके डैड और उसके डैड के सपने। थैंक्स अमिनी, यू आर वेरी स्वीट, तूने मेरे लिए सारे नोट्स बना दिए। अरे इट्स ओके यार, मैं बस थी तो मैंने सोचा तेरे लिए बना देती हूँ, वैसे भी बहुत सारा काम होता है यू नो। मिनी एक सेकंड। ओह थैंक यू पार्थ,
नहीं यार, थैंक्स किस लिए यार, दोस्त हूँ तेरा। बाय द वे प्रियंका, ही इज पार्थ, पार्थ शी इज प्रियंका। हाय पार्थ। प्रियंका, नाइस मीटिंग यू। पार्थ हमारे कॉलेज का सबसे अच्छा लड़का है, सारी लड़कियां इसमें मरती हैं। कम ऑन यार, इट्स नॉट दैट ही इज हॉट, इट्स जस्ट कि ही इज वेरी स्वीट। नहीं पता है, हमेशा सबकी मदद करने के लिए रेडी रहता है। और अगर तुम्हें कभी भी बॉयफ्रेंड बनाना हो ना, तो पार्थ से अच्छा लगेगा इस पूरे कॉलेज में नहीं है। और अगर तुझे कभी बॉयफ्रेंड बनाने की सोचनी हो ना, तो पक्का पार्थ को ही बनाइयो। अरे मिनी, ओके सेटल डाउन, सेटल डाउन। राइट गाइस एंड गर्ल्स, वंडरफुल, इंटर कॉलेज फेस्टिवल का टाइम आ गया, वुड यू एग्री? आप लोगों का बैच एक प्ले करेगा। आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि आप लोग कौन सा प्ले करना चाहते हो। एनी आइडियाज? मैम, हम लोग शेक्सपियर का रोमियो जूलियट प्ले करते हैं, और हमारे पास रोमियो जूलियट तो है ही, पार्थ और प्रियंका। अरे प्रियंका से ब्यूटीफुल जूलियट हमें कभी मिलेगी? और पार्थ तो इस बैच का सबसे अच्छा रोमियो है। तो मैम डन। मैं नहीं कर सकती, मुझे एक्टिंग नहीं आती है। चुपले चुपले। डिसाइडेड, रोमियो एंड जूलियट इट इज। गुड चॉइस मिनी। थैंक यू। मैम हम लोग प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? उसका अरेंजमेंट मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मेरे दो एक स्टूडेंट्स हैं, रोहन और नीरव, दे विल हेल्प यू आउट, एंड ही हैज अ प्लेस, उसके पास एक जगह है जहाँ पे आप लोग सारे मिलके अपनी रिहर्सल्स कर सकते हो। ठीक है, ऑल सॉर्टेड। तो गाइस, आई होप आई मेड माय सेल्फ क्लियर। ये बंगला हम रिहर्सल्स के लिए यूज कर सकते हैं, ये मेरी मासी का बंगला है, पर मेरे रूल्स को फॉलो करना होगा। ठीक है, रूल नंबर वन, मिस्टी को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मिस्टी, कौन मिस्टी? मीट मिस मिस्टी। ओह सी मिस्टी। गाइस दूसरा रूल, ये जो मनी प्लांट है उसको बारी बारी ड्यूटी लगा के पानी देना है। हाँ, क्योंकि जो मिस्टी की मासी है, पम्मी और मैं उन्हें प्यार से मॉन्स्टर मासी बुलाते हैं, वो है बड़ी खतरनाक। जैसे ही मिस्टी को कुछ हो गया, हम सबकी खैर में। डोंट वरी, मैं प्लांट्स और फिश दोनों का ध्यान रखूंगी, मुझे दोनों ही बहुत पसंद है। तो शुरू करें। ये कैसी रोशनी उस खिड़की में नजर आती, शायद वो पूर्व है। और जूलियट सूरज, ए सूरज अपनी रोशनी फैला और इस चांद को शर्मिंदा कर दे, जो पहले से ही तुझसे जलकर बेरंग हो गई है, कि तू उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। उसके चेहरे की चमक देख ये तारे भी छुप जाएंगे, और उसकी आंखें जो दिए जैसी झिलमिलाती हैं, अपने किरणें जब बिखरेगी तो इन पंछियों को लगेगा कि रात ढल चुकी और सवेरा आ गया। देखो वो अपना चेहरा अपने हाथों पर रख कर बैठी है। हाय, काश कि मैं दस्ताना होता तो उस गाल को मैं इस वक्त छू रहा होता। यार माही, ये तो रोमियो से भी ज्यादा रोमांटिक है। तुझे पहले से ही क्रश था ना पार्थ पे? आई थिंक पहले से ही था, तू तो कभी कुछ बोलती ही नहीं है। तुझे भी ऋतिक रोशन में क्रश है ना? क्या वो तुझे मिल जाएगा? नहीं ना। ऐसे नॉन रिफंडेबल क्रशेस को क्रश ही कर देना चाहिए। यार मिनी, यू आर ऑसम यार, सुपर। आई मीन तूने क्या दिमाग चलाया यार, असली मैजिक तो तुझ में है। बस इतना बटर मत लगा, मैं वैसे ही बहुत खा लेती हूँ। लेकिन पार्थ, ऑन सीरियस नोट, तू ना प्रियंका को बिल्कुल हर्ट मत करना, ठीक है? क्योंकि मैंने तुझे उससे मिलवाया है, एंड आई फील रिस्पांसिबल फॉर दैट। और अगर तूने प्रियंका को हर्ट किया ना, तो यू विल बी फिश फूड, समझा? यार तेरी तो धमकियां भी अलग होती, तू तो एकदम अलग ही है यार। अच्छा अच्छा, सुन, ट्रस्ट मी, चिल, आई वोंट डिसअपॉइंट यू एवर, सीरियसली। चल ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ, डैड आ गए, बाय। हाँ ओके ओके, बाय। ले पुत्र ले। हाँ जी पुत्र, तुम दोनों बहुत क्लोज आ गए हो ना? तो अब
तो आप क्या मतलब? ओफो पापा, हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं। आपने पार्थ को देखा है? वो कितना हैंडसम है। और हमारे कॉलेज में ना एक लड़की है प्रियंका, शी इज वेरी प्रिटी पापा। और वो दोनों एक दूसरे को लाइक भी करते हैं। वो दोनों है एक परफेक्ट रोमियो जूलियट। मैं पापा पार्थ? पुत्र, तुझे पता नहीं है कि तू कितनी ब्यूटीफुल है। तू पापा की प्रिंसेस है, प्रिंसेस। और देख लेना, एक दिन कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा और मेरी प्रिंसेस को मुझसे दूर लेके चला जाएगा। ओए पुत्र, ये रोमियो जूलियट क्या चीज है? तू तो परी है, परी, परी लोग की परी, एंजल। और परियों को लेने ना ये रोमियो शोमियो नहीं आते होते। तुझे लेने तो कोई बहुत खास आएगा पुत्र, बहुत ही खास, जो सिर्फ मेरी मिनी बेटी का दिल देखेगा। और वो देखेगा मेरी बेटी की चमकती हुई खुशियां भरी आंखों को और सोचेगा कि मैं कितना लकी हूं कि मुझे मुझे तू मिली। हां बाउंस ट्वाइस एंड वंस मोर एंड गो। अच्छा लिसन गाइस, सॉरी सर, मैंने लाइंस और सिंपलीफाई कर दिए, तो पढ़ लेना एक बार वरना तुम्हें शेक्सपियर की लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। तो सर आपका, अच्छा चलो चलो, लेट्स गो बैक टू योर पोजीशन, बैक टू योर पोजीशन। हां कम ऑन, कम ऑन एवरीवन, बैक टू पोजीशन, बैक टू पोजीशन। पार्थ, पार्थ कहां गया? ओ यार पार्थ कहां है अभी? पार्थ कहां चले जाते हो तुम लोग रिहर्सल में यार? एट द एंड ऑफ द डे वो मेरा रियल फादर नहीं है और हमारे बीच कुछ कॉमन भी नहीं है। पर बेटा वो कोशिश तो कर रहे हैं ना, कितना ट्राई कर रहे हैं तेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। ओ मॉम प्लीज स्टॉप इट यार, वो फोर्स मत करो। लिसन, मैं अपने डैड को बहुत मिस करता हूँ और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, अब चाहे वो कितना भी ट्राई कर ले। मैंने तुमसे पूछा था ना उसी समय कि मैं उनसे शादी करूँ या नहीं। मॉम आई डोंट केयर कि मैंने क्या कहा था, व्हाई डोंट यू जस्ट गेट इट। गॉड, आप नहीं समझोगे। बाय। मैं 8 साल की थी when I lost my mother. I know, single parent होना कितना difficult होता है। उसके बाद मेरे डैडा ने बहुत ट्राई किया कि वो मुझे अच्छे से रखे, बट मम्मी तो मम्मी होती है ना यार। I know शायद तेरी मम्मा ने दूसरी शादी कर ली, बट लेकिन हो सकता है वो तुम्हारी लाइफ को और अच्छा करना चाहती थी। और तुम्हारे लिए कितना अच्छा है कि you have someone who is so caring for you. He loves you, right? फिर क्या प्रॉब्लम है? हम लोग कभी अपने पेरेंट्स के लिए क्यों कुछ नहीं सोचते यार? वो लोग हमारे लिए कितना सोचते हैं? हमें लगता है कि बस हमारे मम्मी पापा हैं तो हमसे ही प्यार करें और किसी और से नहीं। जब हमें दूसरा प्यार करने की परमिशन है तो उन लोगों को क्यों नहीं यार? मतलब जब तुम 10th स्टैंडर्ड में थे तुमने गायत्री को डेट किया था, राइट? एंड यू गाइस ब्रोक अप, तुम्हें नहीं अच्छी लगी वो, तुम्हें You moved on, she moved on, और अब तुम्हें प्रियंका से प्यार है। क्या मैं तुम्हें उसके लिए जज कर रही हूँ? नहीं ना, I understand, होता है। But जब ये सब चीजें तुम्हारे लिए cool हो सकती हैं, तो तुम्हारी मम्मी के लिए क्यों नहीं? शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई, बट जो भी मैंने बोला उसके बारे सोचना जरूर। चल रिहर्सल्स के लिए चलते, वरना नीरो फिर से फिशबोल की स्टोरी शुरू कर देगा। आई एम श्योर उसका फिश और टाइम को लेकर भी कोई लॉजिक होगा। चल रहे, ऐसे भी कुछ नहीं। चल। वैसे तुम सीरियस बहुत ही फनी लगते हो।
मेरे प्यार पर एतबार कर, मेरे प्यार पर एतबार कर, क्या मुझसे नहीं होगा यार? इट्स डिफिकल्ट यार, अकेले अकेले लाइंस करना, इट्स सो वियर्ड। आई मीन ये जूलियट कहाँ है यार? जूलियट के बिना मुझसे नहीं होगा, प्लीज। अच्छा तो मिनी कर लेगी ना ये लाइन? उसे तो पता है ना, सभी लाइन याद है उसे। मिनी एटलीस्ट ट्राई, कम ऑन। मैं नहीं कर रही। तुझे तो सब आता है ना, तुझे तो याद है, तू कर तो सही। ट्राई तो कर एक बार, तू पागल हो गई है। कम ऑन, मुझे नहीं आता पार्थ, प्लीज छोड़। ट्राई तो करो, कम ऑन, यू कैन डू इट, कम कम कम। रोमियो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे पाना इतना आसान होगा तो ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें कभी हाँ नहीं बोलूंगी, तुम्हें मुझे जीतना होगा। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो मुझे कह दो, मैं तुमसे छुपाती जरूर हूं पर सच तो यह है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरा प्यार सबसे अलग होगा। जूलियट सीरियसली आज तो मिस्टी भी बहुत खुश होगी। मिनी तुमने इतना अच्छा किया ना कि आज जूलियट की जो ट्रू मोनोलॉग है वो सब दिख गई। सीरियसली तुम्हें ही इसका पार्ट होना चाहिए था, तुमने इस रोल को अच्छे से जस्टिस किया। नहीं नहीं, प्रियंका इज वेरी ब्यूटीफुल यार, शी इज द परफेक्ट जूलियट। मैंने तो बस ऐसे शी इज बेस्ट। आई एम सो सॉरी गाइस, मैं लेट हो गई, वो केक लाना था ना, इसलिए आज पार्थ का बर्थडे है इसलिए तो केक लाना था ना। तुम्हें याद था? Of course. अरे ये मिनी कभी भूलने दे तो ना, सुबह से मेरे पीछे पड़ गई है। बात का बर्थडे है, केक लाना है, तो ये हम सब की तरफ से तुम्हारे लिए। Thanks यार, thank you. सबसे बड़ा पीस लाया हो तेरे लिए। तो यहाँ क्या बैठ के कर रही है? मैं तो तुझे अंदर ढूंढ रहा था। अरे ये ऐसे इमोशनल चीजें मुझसे हैंडल नहीं होती हैं, बस इसलिए बाहर आ गई थी, थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम है। तू भी ना। ए पार्थ। ओ हैंग ऑन, जाना पड़ेगा। ए ये ले लो केक। हैप्पी बर्थडे टू मी। चल अंदर जल्दी आ। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप करता हूँ। मैं चली जाऊंगी पार्थ, यहाँ पे ऑटो मिल जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। नहीं, और वैसे भी आज मेरा बर्थडे, तुम ना नहीं कह सकती। ओके चलो, कम ऑन ड्रॉप यू। पार्थ मुझे बाइक में जाना अच्छा भी नहीं लगता। चलो अब जिद मत कर। तुम गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? कुछ जरूर से क्या बाइक पे कोई हाथी को बिठाते हैं क्या? शराब ओके? अगर दोबारा मिनी के बारे में कुछ भी कहना तो वॉश योर फेस, समझा? तुम ठीक तो हो?
तुम्हें लगी तो नहीं? मैं घर जाती हूँ। प्रियंका, तुम not cool यार, तुम हंस कैसे सकती हो? It's not funny. Let it be यार। मैं घर जाती हूँ। एक सेकंड, तुम्हें तो चोट लगी है यार। You know what? चलो मैं तुम्हें क्लिनिक लेके जाता हूँ। कम और रोना बंद करो। Smile. चलो। पार्थ, हम यहाँ क्यों आए हैं? ये कौन सी जगह है? ये मेरी फेवरेट प्लेस है। तुम जानती हो, अगर मुझे अपने डैड से कुछ भी बात करनी होती है, कुछ भी, तो मैं यहाँ आता हूँ। स्पेशली अपने बर्थडे पर। गए साल के बारे में जो कुछ भी हुआ, गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, सब कुछ पता था। और आने वाले साल में मेरे विशेस, मुझे जो चाहिए, सब कुछ, गुड थिंग्स, सब बताता हूँ। आई मिस यू डैड। अरे तुझे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, ये हमारी खानदानी प्रॉब्लम है। फैमिली? हाँ, अगर मेरी जगह डैडा होते ना तो फूट फूट के रो रहे होते। तू मिनी, तू सच में बहुत अलग है, तुझे पता है? हम लोग हमारा टैंकर साथ लेके चलते हैं। सीरियसली, यू क्रेजी। आज भी मैं ऐसी कितनी सारी लड़कियों को जानता हूँ जिन्हें लगता है कि दे हैव टू लुक गुड, दे हैव टू लुक परफेक्ट, वरना कोई लड़का उनमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, कोई इनसे प्यार नहीं करेगा। नो, इट्स रॉन्ग। लव गोज वे बियॉन्ड लुक्स माय फ्रेंड। प्यार के लिए तुम्हारे लुक्स, तुम्हारा स्किन कलर, तुम्हारा वेट, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। व्हेन यू फॉल इन लव, तो जिससे तुम प्यार करते हो वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की या सबसे हैंडसम लड़का बन जाता। पर्सनली अगर कोई मुझसे पूछे तो मुझे लड़की के सेंस ऑफ ह्यूमर, लड़की के इंटेलिजेंस या उसके दिल से मतलब है, उसकी बॉडी या उसके लुक से नहीं। पार्थ भी ऐसा ही था। उसने कभी भी मिनी को उसके लुक्स पे जज नहीं किया। टू हिम, मिनी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, क्योंकि वो जानता था कि मिनी का दिल कितना अच्छा है, कितना साफ है। इसीलिए तो उसने अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा मिनी के साथ शेयर किया। बट क्या ये सिर्फ दोस्ती है? दैट्स द क्वेश्चन। बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, seriously, it's so weird. तुझे पता है, मेरा दिन incomplete सा लगता है अगर मैं उससे बात ना करूँ, I mean, उससे मिलूँ ना। Okay. यार मुझे पता नहीं क्यों उससे हर बात शेयर करने का मन करता है। अच्छा। जो कुछ भी हुआ, rehearsals,
अब वो बर्थडे केक बस डिफरेंट है, पहले कभी नहीं हुआ। तुझे पता आज शेयर डैड विद हर। आई नो बट मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्यों किया। तू रोमियो जैसी बातें कर रहा है। Am I in love? मिनी के साथ? बाइक की बैक सीट पे बैठने वाली कैटेगरी में नहीं है ना, बाइक पे फिट नहीं हो पाएगी। पापा, मैं डाइटिंग कर रही हूँ। डाइटिंग? तो डाइटिंग से कमजोरी हो जाएगी, चक्कर आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, बच्चा खा ना पुत्र। नहीं पापा, मुझे डाइटिंग करनी है। विनी, विनी, you won't believe what just happened। क्या हुआ? पार्थ का टेक्स्ट आया। I think आज वो मुझे प्रपोज करने वाला है। ओह, तुझे किसे पता वो तेरा वेट कर रहा है क्या? उसने मुझे बोला कि लाइब्रेरी में मिलना अकेले। तो यहाँ क्या कर रही है? जल्दी जा। और अगर उसने तुझे प्रपोज किया तो मेरी ट्रेन पक्की। तो डाइट पे है ना? हाँ, डाइटिंग। इट्स ओके ना, कभी कभी चलती है। जा जा जा, जल्दी जा। आई एम एक्साइटेड एंड नर्वस। मैं यहाँ वेट कर रही हूँ, ठीक है? तू जल्दी आ जाना। आई लव मिनी। व्हाट? व्हाट डिड यू जस्ट से? आई डोंट नो कैसे कहाँ, बट मिनी के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद। यू ब्लडी जोक। इतने दिन से तुम मेरे आगे पीछे घूम रहे हो और अब तुम मुझे ये बोल रहे हो दैट यू आर इन लव विद दैट फैटसो। हर नेम इज मिनी, ओके? मुझे पता है उसका नाम क्या है और मुझे ये भी पता है कि तुम कौन हो। यू सच एन इडियट पार्थ। ऐसी बात नहीं है प्रियंका। प्रियंका मेरी बात तो सुनो। प्रियंका, 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 इसको क्या हो गया? तूने जरूर कुछ बोला होगा। सच बोला। मतलब कौन सा सच? सच की आई एम इन लव। पर वो तो अच्छी बात है ना पार्थ? उसके साथ नहीं। तो फिर किसके साथ पार्थ? I love you. I love you, Minnie. I love you, Minnie. Minnie? 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 Aake kholo, Minnie. मिनी, ओपन योर आईज। तुम ठीक हो यार? तुम्हें क्या हो गया था? तुम बेहोश हो गई थी। मिनी, डोंट टॉक टू मी यार। मिनी, तुम ऐसे क्या कह रही हो? तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है पार्थ? मजाक? मतलब मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी पार्थ। सब मुझसे मजाक करते हैं, सब लोग। तुम मेरी फ्रेंड हो, राइट? मुझे सब लोग आके बोलते हैं तू मोटी है, तू हाथी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मेरी पूरी दुनिया से दोस्ती नहीं है, बट यू
यू आर माई फ्रेंड राइट, और तूने भी मतलब आई नो आई लाइक यू अ लॉट। तुम नहीं समझ रहे हो पार्थ। यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, I seriously love you, I do. और look, it just happened यार, I know कि मेरा ध्यान हमेशा से प्रियंका पर था, but मेरा दिल का attention सिर्फ तुझ पर था यार. You know, I realized कि जब भी मुझे कुछ बताना होता है, जब भी मुझे कुछ शेयर करना होता है, तो हमेशा मैं तुम्हारी ओर ही बढ़ता हूँ. तुम ही बता यार, ये प्यार नहीं तो और क्या है यार. सीरियसली मुझे नहीं पता कि तू क्या फील करती मेरे लिए, लेकिन अगर तूने कहा कि आई कांट बी विथ यू, तो पता नहीं यार मेरा क्या होगा यार. मैंने कुछ तो बोल यार. पर मैं क्यों पार्थ? पर क्यों क्या मतलब, हम दोनों साथ नहीं हो सकते, तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकते हो? मुझ में ऐसा क्या है पार्थ? लुक एट यू एंड लुक एट मी, तुम इस कॉलेज के सबसे कूल डूड हो. तुम्हारे पास जो स्पोर्ट्स बाइक है उसमें तो मैं फिट भी नहीं होती यार. और तुम्हें अभी बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें इमोशनली बहुत लग रहा है कि हाँ हम दोनों साथ रह सकते हैं, यू लाइक मी. बट क्या तुम ऐसी लड़की के साथ रह सकते हो जिसका सब मजाक उड़ाते हैं? तुम्हारा भी मजाक उड़ाएंगे सब लोग, तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड को सब मोटी बोलेंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा? ओके ओके होल्ड ऑन, व्हाई डू आई लव यू यार? मिनी पता है तुझमें सबसे स्पेशल बात क्या है? यू नो तुम जिस चीज को छूती हो ना, एनीथिंग दैट यू टच, एनी लाइफ दैट यू टच, इट बिकम्स अलाइव, इट बिकम्स हैप्पी. बेबी ये बहुत रेयर क्वालिटी है जो तुझमें है. और कहते हैं ना जब किसी से प्यार होता है ना, तो वो इंसान तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्पेशल एंड सबसे ब्यूटीफुल बन जाता है. एंड ट्रस्ट मी मिनी, यही मेरे साथ हुआ है. सीरियसली बेशर्मिया बर्बादिया. पर प्रियंका लुक मिली, आई एम रियली वेरी सॉरी. जब पार्थ ने मुझसे कहा कि वो मुझसे नहीं तुमसे प्यार करता है, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने बहुत ओवर रिएक्ट कर दिया. मैंने पता नहीं तुम्हें क्या क्या बुला दिया. आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट मीन एनी ऑफ दैट. मिनी जैसे मैं बाहर गई, मैंने बहुत सोचा, मैंने रियलाइज़ किया कि यू नो इफ यू टू लाइक ईच अदर, आई शुड बी हैप्पी फॉर यू. और ये रोमियो और जूलियट के प्ले से भी तो हमने सीखा है कि रोमियो के लिए भी इस वर्ल्ड में सबसे बेस्ट लड़की सिर्फ जूलियट ही थी, जैसे पार्थ के लिए तुम हो. एंड यू नो तुमसे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन भी सीखा है, हम अगर अंदर से ब्यूटीफुल होना तो लाइफ अपने आप ही ब्यूटीफुल हो जाती है. एंड यू नो व्हाट रियली मैटर्स इज, तुम अपने आप को एक्सेप्ट कर लो ना, तो लव विल ऑटोमेटिकली कम टू यू. मिनी आई होप यू फॉरगिव मी, हम अभी भी फ्रेंड्स हैं ना, प्लीज. हेलो ओए, मेरा हग? कौन सा हग? कम ऑन यार मिनी, ओए मिनी. ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है. अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या ऐसा कुछ है जो हमारे शो को लेकर आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, then you can tweet us @bindastv #ये है आशिकी. पार्थ और मिनी की ये लव स्टोरी, one of the sweetest love stories, don't you think? दोनों अपनी एज के लिए काफी मैच्योर थे, and that's exactly what worked for them. पार्थ और मिनी आज भी एक साथ हैं, and as much in love. और मिनी के दादा आज भी उतने ही सेंटी हो जाते हैं जब उसकी शादी के बारे में सोचते हैं. He's cute. Well, मैं आप लोगों को मिलाता हूँ एक ऐसे कपल से जिनकी कहानी भी इतनी स्वीट है. और अगले हफ्ते मैं आपसे मिलूंगा एक और स्पेशल सी स्टोरी लेकर. टिल देन
Love is really sweet, my friend. Don't be scared to fall in love. Hi, I'm Nikita. I'm Saurabh. हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, हम दोनों एक ही ग्रुप में थे. He was among the best looking boys in college, as you can see it. सारी लड़कियां इस पे मरती थी और उनमें से एक मैं भी थी. Saurabh was in love with my friend whose name was Tanisha and she was gorgeous. Yeah, actually I was attracted to Tanisha. और मैं और कहने की बात कि मैंने इसके इसी के लिए मैंने निकी से फ्रेंडशिप की थी. और जैसे जैसे वी स्टार्टेड नोइंग ईच अदर आई फेल्ट दैट आई एम फॉलिंग फॉर हर और मैं उससे प्यार करने लगा. हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे और हमारे बीच दोस्ती गहरी होती गई. हमें पता चला कि हमारी पसंद नापसंद सब कुछ सेम है. बट द बेस्ट थिंग इज आई डोंट हैव टू वरी बिकॉज ही लव्स मी द वे आई एम.